बस कोई पानी आलू नहीं मत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी जिम हो गई कंप्लीट और मैं जिम कंप्लीट करके आ गया हूँ घर। एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप कोई महंगी चीज ले रहे हो तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि महंगी चीज लेने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, उसको मरते दम तक आपको घसीटना पड़ता है क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगी। और अभी जो मैंने एप्पल वॉच लिया था ना, पहन पहन के मैं बोर हो गया हूँ, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक मिड रेंज की चीज लो, यूज करो, चेंज कर लो। साल भर में एप्पल वॉच आएगी। मेरे जैसे कुछ भी नहीं लो, मेरे पास पड़ी में पहनती नहीं। पहनते पहनते ये हो गया, ये नहीं तो ये सही है ना। ये क्या सेंटर में दिख रहा है कुछ? क्या देखो ये स्किन। अरे वो तो लगाओ क्रीम, वैसलीन हो जाएगी। सही, इसीलिए देखो इसकी भी हालत घिस गई है वॉच, लेकिन क्या करें, इसको छोड़ नहीं सकते अभी क्योंकि इसका पैसा वसूल नहीं हुआ है। ये वॉच ऑलमोस्ट हो चुकी है 4 साल पुरानी, बट अभी भी पैसा वसूल करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। क्यूमिटी, यहाँ पे कुछ स्मेल नहीं आ रही है? सड़ी सी एकदम। मैं जब से बैठा हूँ देख रहा हूँ, इसके वजह से इसी से ही है। चलो लाओ इसका सामान निकालू फटाफट और फेंक देता हूँ उसको। किस चीज की डैमेज का बता, सालों को चाकू घसड़ के पेट फाड़ के निकाल लेंगे पैसे वापस। नए का है? अच्छा तो पैसा देता है। चलो तो भाई इसको खोल के देखता हूँ इसमें क्या है। पता है मेरी कोई भी चीज रिटर्न होती तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? इस प्राणी को। मैं कुछ भी लूं और रिटर्न करूं इस प्राणी की खुशी में। देखो पिछली बार तो चुना, मुझे भी लगता है पिछली बार मैंने पार्टी दी थी, इस बार भी पार्टी करो। नहीं मतलब इतनी खुशी मिलती है, मैं कुछ भी मंगाऊं रिटर्न कर दूं, बस मंगाऊं ही ना खुद के पास से डेली 2-3-4 पार्सल आएंगे। लेकिन नहीं, मेरे एक भी नहीं आने चाहिए। तो बस ऑलरेडी कैमरा था। हाँ मतलब जरूरत वाली चीजें हूँ। अच्छा डेली एसेंस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? जो आज मिलेगा। क्या? नहीं तो कल मिलेगा, वो भी वापस हो जाएगा, टेंशन ना कर। मतलब पनौती, पहले ही पनौती लगा दी इसने वापस करने के लिए। भाई इसमें तो कचरा। ओह नो, मिंटी कचरा आया है, लग तो रहा है एक कचरा। ये क्या? इसमें ओए ये तुम्हारा सामान है, लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर। ये क्या है? शैम्पू है। ये भगवान कितने शैम्पू बना रखे हैं, मतलब मार्केट में इतना शैम्पू। और ये दूसरा क्या है? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय हाय कॉफी की दीवानी। भाई साहब इसका इतना हाइप बना रखा है इन लोगों ने, इतना हाइप बना दिया, इतना हाइप। इसके साथ एक फ्री कुछ मिला है इन्होंने। Oh, किसके no. साथ फ्री? इसके साथ एक फ्री गिफ्ट। क्या है? फ्री में है ना, वो है ना लिप स्क्रब, वो देखो वो बार। अच्छा इसकी हाइप, लिप में भी स्क्रब लगाया जाता है भाई साहब। नहीं लिप स्क्रब है, कौन अपने होंठ छीलना चाहेगा? तुम अपने होंठ छीलना चाहोगी? जो अपने होंठ छीलना चाहे वो ये ले सकते हैं। और ये तो मैं कसम से कह रहा हूँ ये वाले ब्रांड ने ना इतनी हाइप बनाई, इतनी हाइप बनाई है कि आदमी ना ले लेके कॉफी के चक्कर में आदमी ने ले लेके इसकी बैंड बजा दी है। ये कचरा मैं फेंक रहा हूँ वापस। ओह नो, बहुत कचरा है यही तो बदबू मार रहा था। मस्त वाली धूप निकली और 2 मिनट में अभी गायब हो जाएगी और क्या पता बारिश हो जाए। हैं किसको डालना? तुम्हें, तुमको धो के सुखा के निचोड़ के डाल दें। वाह 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 वाह, ये देखो सैंडविच, क्या मस्त सैंडविच बनाया। वाह ये यस, ऐसा सेफ ढूंढने से नहीं मिलेगा, केवल इधर मिलेगा, इधर। वाह क्या आ, कर सकते हैं इसके साथ। हाय 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 हाय, अभी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? जुगाड़ ये है, दूसरी बेड चिपका दो। ये देखो ये, वाह बेटा वाह, तुरई में तुरई, तुरई बड़ी बुराई है, तुरई का नाम इसलिए रखा है। आज ही तो मैं ये खाना पड़ेगा, उसको खा के जाओ उरई।
आज तो भाई कांड होने वाला है, उससे पहले कांड हो बच लेते, फटाफट भागता हूँ नहाने के लिए और रेडी होकर भाग लेता हूँ ऑफिस, नहीं तो आज खिला दी जाएगी तो रई जो है बड़ी बुरई। धूप घर में देख के ना दिल खुश हो जाता है, मतलब ऐसी मस्त धूप है, इधर धूप नहीं आ रही है। एयरटाइट पैकिंग बहुत अच्छी होती है, इसके वजह से ना कीड़े लगते हैं ना सीलन होती है ना कुछ। तो इसकी देखिए यार, ये एयरटाइट में पैक था, इसकी क्वालिटी मतलब 5-6 महीने से ऑलमोस्ट पैक होगा, बट इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया। तो भाई अपन हो गया रेडी ऑफिस के लिए, फटाफट अपना सामान पैक करेगा और निकलेगा ऑफिस, क्योंकि आज मैं प्लान कर रहा हूँ BTM ऑफिस जाने का, ताकि थोड़ा सा चेंज लिया जाए। और साथ में लेके जा रहा हूँ अपनी किट, ब्लॉगिंग किट। तो इस किट का फायदा यही है कि एक बार में सारे सामान रखो, सीधा ब्राइट बैग में रखो, लेके चले जाओ। तो भाई अपन आ गया घर पे खाना खाने के लिए, और आज होने वाला कुछ ना कुछ तो बवाल। सुबह बीबी ने धमकी दी थी कि तुरई खिलाएंगे, तुरई, और वही हुआ। ये क्या, तुम तो अपने बात पर रह गई यार, मजाक किया था मिंटी, तुरई मत खिला। हैं शाम को पनीर खा लेना भाई, सब देखो तो देख लो अच्छी बनी है। मरे यार खाने का मन तो वैसे भी नहीं कर रहा, ऊपर से तुरई और बुराई खिला दिए। आज वैसे भी खाने का मन नहीं कर रहा, ऊपर से तुरई, उसके साथ तो सोने पे सुहागा चीज है। हैं हां क्या, मिठीला वाला प्लॉस। अबे ओ बच्चे की जान लेगी क्या बे, नहीं 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 नहीं। अच्छे खाने में टॉर्चर, पहला टॉर्चर बोराई, सबसे बोराई, उसके ऊपर सोने पे सुहागा करता हुआ सोयाबीन बरी का पुलाव। और पहली बात तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बट ये कुछ चीज ऐसी है जो सब बैलेंस कर देगी। ओह नो। तो अभी भी खाना खाने के बावजूद भी सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सुना है कि अगर जो मिश्री और सौंफ होती है अगर वो खाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो है, वो तो मैं डेली खाता हूँ, खा के देखता हूँ मिलता है या नहीं। तो फिलहाल ये मैं खा के देखता हूँ। नहीं मिला सच में, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इधर से गोली घुसी और इधर से निकल गई हो, ऐसा सर में पेन हो रहा है भयंकर वाला। बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाना होगा क्योंकि काम अभी बहुत ज्यादा बाकी है। ये देखो एक आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छा है, ये जो है ड्राई शैम्पू है। निकल गया डे, अच्छा इसलिए इसको वैक्सीन भी मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, आज नहला देता हूँ कल। ओए ओए सुन ना, पता चल गया उसको आज मेरी होने वाली है, आज तेरी ओ तेरी सफाई होने वाली है आज। उसी से डाल दो, इसी से थोड़ा थोड़ा भाग रही है, भागने को भाग दे, नहीं ऐसे नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा 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 कान बाद में करेंगे, कान बाद में करेंगे, पकड़ के रखो इसको बस। ओए भगड़े दौड़ने से दाने क्या बैग दे जो होता नहीं भागेगा ऐसे ही आंखें निकल आई उसके बाहर। नाखून पहले काटा था, नाखून कोई बात नहीं, और नहीं मारेगा नाखून ही नहीं। अरे क्या क्या हालत होगी तेरी, कहां से क्या हो गया तू, दर्द नहीं है, फेस भी साफ करो इसका, फेस फेस अनर फेस आयो फेस, इसका नोज वगैरह अच्छे से साफ करो। अबे तेरे को नहलाने के लिए चार लोग चाहिए। मैं छोटू हूँ तो क्या हुआ, बस 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 क्या किया, यूट्यूब का ज्ञान पहल दिया घी बनाने में। हाँ हम जिस अपनी यार ये खा सकते हैं ना, खाके देखो ये थोड़ा अच्छा वाला है। अच्छा वाला कैसा होता है, मतलब इसको फेट के बनाया गया है, एक बार टेस्ट करो कैसा लग रहा है। गरम है, पागल हो गया, पता चला गम्मी, इसमें सबको डाल दो देखो, कितना घी, कुछ घी नहीं ना डाल, तो भाई गब्बर को नहलाने में मेरे पसीने छूट गए, उसको नहला दिया आज,
उसने जो छलांग मारी इधर उधर इधर उधर, बस एक चीज सबसे अच्छी है, एक चीज सबसे अच्छी रही कि उसने ना किसी को नाखून मारा ना काटा किसी को। Oh, no. उसके चक्कर में उसको ढंग से नहला दिया, और नहलाने के बाद जब उसको ना उससे ड्रायर से कर दिया ना, उसके बाद वो मजे ले रहा हवा में बढ़िया मुंडी हिला के एकदम। बहुत कमीना हो गया, बहुत कमीना। अरे मिंडी मस्त वाली बारिश आई यार, कुछ खाने पीने के लिए पकौड़े टाइप का कुछ आइटम बनाया जाए क्या है? अरे यार कुछ ऐसा तड़कता भड़कता एकदम डीप फ्राइड, अरे यार कुछ भी नहीं खिला दो, रहन दो। शक्कर तो मिला दी पर ये शक्कर कर 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 तभी तो वो वही तो ये क्रिस्पी लगती। जुगाड़ कर दी तुमने, अच्छा है ना? थोड़ा मतलब अच्छा है, बहुत मिला रहा है नहीं, अच्छा है ये, बहुत हेल्दी भी है ये। मैंने इसको ना मक्खन से बनाया, मलाई से नहीं। क्या है ये पनीर की सब्जी? बट इस पनीर की सब्जी का नाम कोई पता नहीं, मंडी ने बोली कि ऐसे ही बना दी बस।